हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा लोहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का मेरा क्वेश्चन जो है रहेगा बुद्धि और विकास, इन दोनों की डेफिनेशन के साथ साथ हम इन दोनों की विशेषताएं, इन दोनों में अंतर, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही ये आपका 5 और 8 नंबर में आता ही आता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अटैम्प्ट करने के तरीके, इंप्रेशन वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ एकजुट होकर सारी मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं। तो हर तरीके को आप देखते हुए इसको ऐसे ही लर्न कीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा। वृद्धि और विकास, अगर हम इनकी बात करें तो व्यक्ति की बुद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना ही वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव में असंभव है। यानी हम किसी भी शिक्षा के उद्देश्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट जो है समझ आना चाहिए। अतः वृद्धि और विकास को विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए हम यहाँ पे आगे डाल रखे हैं हमने। देखिए, वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं को समझना जरूरी है। पहला देखिए, वृद्धि का अर्थ देख लेते हैं हम यहाँ पे। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और उनके कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। इस प्रभाव के परिणाम के स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता रहता है। इस तरह से वृद्धि का अर्थ है शरीर भार या आकार में वृद्धि होना, ग्रो होना। इसके साथ साथ आप इसकी कोटेशंस लिखेंगे, किसी की भी आपको कोटेशन याद है तो वो लिखिए, नहीं आप अपने विचार भी लिख सकते हैं इसमें, ये बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी भी फिलोसोफर, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के विचार याद नहीं हैं तो आप अपने विचार की कोटेशन बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, फिलोसोफर्स का नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर या हर्बर्ट सोरेसन, फिजिकल ग्रोथ इज नेम ऑफ वे एंड ग्रोथ, यानी वृद्धि किसका नाम है, भार और वृद्धि का, दैट इंडिकेट्स द ग्रोथ एंड चेंजेस, जो आपको एक तरह से वृद्धि और उसके साथ आपका जो विकास है उस दोनों में बदलाव को दिखाती है। वृद्धि आपको पता ही शारीरिक तौर पे होती है तो आप उसको देख सकते हो, यानी मेजर कर सकते हो वृद्धि को आप। इन दोनों में सिद्धांत देखिए, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले दोनों में सिमिलैरिटी के तौर पे बता रही हूँ, इसमें आप निरंतरता का सिद्धांत देखते हैं। पहला, वृद्धि एक समय तक रुक जाती है, लिमिटेशन होती है, परंतु विकास आजीवन चलता रहता है। विकास को एक निरंतर चलने वाला सिद्धांत कहा जाता है। यह व्यक्ति के प्रत्येक पहलू में देखा जा सकता है। देखिए, विकास को हम मेजर नहीं कर सकते, ना ही हम इसको देख सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से इसको समझ सकते हैं। वृद्धि आप देख सकते हैं, अंगों में देखी जा सकती है, पौधों में देखी जा सकती है, जानवरों में देखी जा सकती है, लेकिन विकास जो है, विकास को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। ये आपको, जैसे कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं या आपकी जॉब लग जाती है या आप कुछ और ग्रो कर लेते हो घर में या नौकरी में, ये चीज़ें आप सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। विकास जो होता है गुणात्मक होता है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। यानी विकास को गुण माना जाता है और वृद्धि को माना जाता है मात्रा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड पॉइंट है इसका, व्यक्तिगत विभिन्नता। वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जा सकती है। व्यक्ति वृद्धि के आधार पर भी अलग अलग देखा जा सकता है, यानी व्यक्ति को आप वृद्धि के आधार पर मोटा पतला लंबा छोटा इस तरह से देख सकते हैं। वृद्धि के आधार पर भी व्यक्ति लंबा मोटा पतला भारी हो सकता है। विकास को व्यक्ति का न देखे जा सकने वाला सिद्धांत कह सकते हैं। विकास प्रगति का सूचक होता है, यानी प्रोग्रेस ही माना जाता है विकास। थर्ड है विकास की दिशा। वृद्धि की जो दिशा होती है वो कहाँ से होती है, सबसे पहले सिर से लेकर पैर तक होती है। अगर आप किसी शिशु से लगा के चलते हैं, सबसे पहले उसका जो है ग्रो क्या होता है, मस्तिष्क। मस्तिष्क के बाद उसके शारीरिक अंग बढ़ने लगते हैं। अगर आप उसको एक प्रेगनेंसी लेवल पे आप देखते हैं, किसी वीडियो को भी अगर आप देखते हैं, तो उसका विकास ऐसे होता है, यानी कहाँ से होता है, सिर से लेकर नाक तक, सिर से पैर तक, पैर के नाखून तक, फिर ऐसे ग्रो होता है वो। उसे तोला या गिना जा सकता है, परंतु विकास को केवल दिशा प्रगति के आधार पर महसूस किया जा सकता है। विकास की दिशा वृद्धि से एकदम विपरीत होती है। यानी विकास क्या देखेंगे आप यहाँ पे, बच्चे में जो स्किल्स डेवलप होती हैं, बोलना सीखता है,
ये वृद्धि में नहीं बल्कि विकास में आती हैं, इन स्किल्स जो भी हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है जबकि वृद्धि की भविष्यवाणी तर्क व स्थिति के आधार पर की जा सकती है। यानी हम अपने तौर पे ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा जो है लंबा जाएगा या फिर ये जो बच्चा है छोटा रहेगा कद में, नहीं बता सकते हैं। माता पिता के अनुसार बताया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है माता पिता दोनों लंबे होते हैं, रेयर चांस होता है, और जो बच्चा है वो छोटा ही रह जाता है। इस तरह से हम वृद्धि की कभी भी वृद्धि को हम माप नहीं सकते ना उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। विकास की भी हम गैस कर सकते हैं, अभी तुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बाकी इसको किस्मत से जोड़ दिया जाता है। वृद्धि और विकास में देखे जा सकने वाले अंतर होते हैं, आप महसूस कर सकते हो, आप मेजर भी कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इसमें देखिए, बाहरी से आंतरिक। विकास बाहरी तौर पर और वृद्धि आंतरिक तौर पर देखी जा सकती है। विकास में व्यक्ति का बाहरी रूप या प्रगति देखी जाती है, वृद्धि में व्यक्ति का सर से लेकर पैर तक का विकास देखा जा सकता है। इसमें सिक्स पॉइंट देखिए, सामान्य से विशिष्ट। विकास सर्वदा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ हम करने जाते हैं तो हम पहले उसके छोटे छोटे पहलुओं पर काम करते हैं, फिर उसको किसी बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं। ये तो हो गया काम विकास का। परंतु वृद्धि किसी भी अंग या उसके कार्य से मापी जा सकती है। विकास हमेशा निचले स्तर से ऊपर तक होता है, और वृद्धि क्या होती है, ऊपर से कम भी होती है और ज़्यादा भी हो सकती है, किसी स्तर से भी हो सकती है। अब जितने भी गिनीज बुक में आप नाम देख रहे हैं, शारीरिक तौर पे लंबे छोटे मोटे जिस जो भी हैं, हाथ किसी का बड़ा है, किसी की आँख बड़ी है, किसी की जीभ बड़ी है, ये चीज़ें आप वृद्धि से देख सकते हैं। वृद्धि ऐसा करती है कि कहीं से भी शारीरिक तौर पर किसी का भी रिकॉर्ड बनवा सकती है। किसी के बाल लंबे, किसी के नाखून लंबे, तो वृद्धि कहीं भी हो सकती है। मूर्त से अमूर्त। वृद्धि और विकास के सिद्धांत इस तथ्य पर भी आधारित हैं कि विकास सर्वदा मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। यानी जो चीज़ हमने देखी है हम उसी पे काम करेंगे और उसी को अच्छा बनाएंगे, लेकिन जो बुद्धि होती है वो मूर्त और अमूर्त की कल्पना से अलग है। यानी कि वृद्धि क्या होती है कि हम इसको देखी गई हुई चीज़ पे भी डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, और जो ना देखी है उस पर तो हम बोल ही नहीं पाते कि वृद्धि होगी नहीं होगी। वृद्धि किसी भी प्राणी में वंशानुक्रम के आधार पर हो सकती है, यानी कि माता पिता के आधार पर हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। परंतु विकास किए गए कर्म के आधार पर होता है। यानी विकास क्या होगा, अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़े लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। पढ़ने वाली बात से अलग मैं और बता देती हूँ आपको, अगर आप पढ़ेंगे तो भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं कई बार, लेकिन अगर आप पढ़े हुए को अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसमें आपके नंबर जाने के कम चांसेस होते हैं। पॉइंट इसमें नेक्स्ट है, एकीकरण का सिद्धांत। वृद्धि और विकास एकीकरण के सिद्धांत पर एक रूप पाए जाते हैं। वृद्धि और विकास को बहुत बार एक रूपता में माना गया है, क्योंकि अगर हम माप तोल न करें तो ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग माने जाते हैं। देखिए, अगर शारीरिक वृद्धि को हम ना माप कर विकास से उसकी तुलना करते हैं तो वो भी ऐसा ही आ जाएगा, क्योंकि हम विकास को भी तो नहीं माप पाते हैं। विकास को तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम वृद्धि का मापन करना छोड़ दें और सिर्फ ये देखें कि वृद्धि हो रही है, ऐसे ही विकास में हम माप तो सकते नहीं, उसको भी ऐसे देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो ये दोनों एक ही चीज़ मानी जाएंगी। दोनों में एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पे माना जाता है। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक माना जाता है, क्योंकि इसमें बालक उतनी ही क्षमता विकसित करने के गुण पाए जाते हैं जितने कि माता पिता में होते हैं। विकास को जोड़ के देखा जा रहा है माता पिता से, अगर जो माता पिता ने जितनी तरक्की की है या जितनी उनमें बुद्धि होती है उस हिसाब से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। समाज सेकंड पॉइंट है। समाज की भी किसी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि व्यक्ति का विकास जो है सकारात्मक तभी संभव है जब उसका समाज भी उसके साथ तालमेल और समायोजन रखता है, या वो समाज के साथ सकारात्मक दृष्टि रख के उनके साथ समायोजन करता है। परिवार व मित्रता। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार व मित्रता का अहम योगदान है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का विकास उसके परिवार के वातावरण से अलग उसकी संगत पर भी निर्भर करता है। जैसे उसके दोस्त होते हैं उस हिसाब से उसकी जो है डेवलपमेंट होती है।
आगे देखिए, वातावरण, किसी भी व्यक्ति का बेहतर विकास उसके वातावरण पर निर्भर करता है। जिस तरह की उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसी हिसाब से उसका जो है डेवलपमेंट होता है। अगर उसका वातावरण सकारात्मक होगा तो उसका विकास भी अच्छा और सकारात्मक होगा। अच्छा वातावरण अच्छे व्यक्तित्व का परिचायक होता है, यानी कि अगर उसका वातावरण अच्छा नहीं हुआ मान लीजिए, तो उसका विकास जो है वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। अध्यापक और विद्यालय भी उस किसी भी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बालक के व्यक्तित्व में सबसे अहम योगदान उसके अध्यापक का होता है। व्यक्तित्व तौर पर बालक तभी सफल होता है जब वह अध्यापक द्वारा निर्देशित किया जाता है। यानी अगर अध्यापक अच्छे तरीके से बच्चे को सिखाता है, समझाता है, गाइड करता है, तो बालक में सारे गुण आते हैं। नेतृत्व के गुण के साथ साथ वो अपना विकास कर पाएगा। अध्यापक द्वारा अच्छे व्यक्तियों में नेताओं का परिचय कराना, भ्रमण ले जाना व्यक्तित्व निर्माण के साधन माने जाते हैं। यानी अध्यापक अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े नेता, बड़े समाज सुधारक, इनकी अगर जीवनी पढ़ाए, इनके गुण बच्चे में डेवलप करे, तो बच्चा भी अच्छे से विकास कर पाता है। व्याधि या स्वस्थ होना, बीमारी या स्वस्थ होना भी विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके स्वास्थ्य की होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वह विकास दर को छूने से वंचित रह जाएगा। एक अच्छे व्यक्तित्व विकास निर्माण प्रक्रिया के लिए बीमारी से मुक्त होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, अगर इस तरह के जो कहावतें हैं हम इसको फॉलो करें तो ये बिल्कुल सत्य बात है। किसी भी व्यक्ति